لبيك اللهم لبيك. नाज़रीन आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। द लोकल जर्नलिस्ट की टीम इस वक्त मौजूद है रामेश्वरपुर रोड में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाखों करोड़ एहसान है परवरदिगार आलम का। आज हज ट्रेनिंग के प्रोग्राम के सिलसिले से हज़रत से बातें करेंगे। हज़रत क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम को लेकर? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है, यहाँ का साथी बहुत अच्छा ही है, साथी भी आया है, इनका समझाना भी, और हम तो ऐसा बंगला के बोलते हैं लेकिन उर्दू में अच्छा ये कम हुआ है। बंगला तो बोलते पारे ना, जबकि बोलते कैबिन सेटअप बोल रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह खूब भलोई व्यवस्थापना आज सब किस ठीक हो इनशाला। আজকে যে ট্রেনিং নিয়েছেন এরপরে কোথায় আছে সর ট্রেনিং হবে? এরপর একটা আমাদের চটায় আছে। চটায় আছে না, সেটা কি আগে হয়ে গেছে ডিএমএ তে? আরেকটা পাঁচকুলায় আছে মাদ্রাসা আহমেদনগরে 24। আজরিন আপ জুড় গয়ে হ্যায় ইস ওয়াক্ত দা লোকাল জার্নালিস কে সাথ। আর দা লোকাল জার্নালিস কি টিম ইস ওয়াক্ত মৌজুদ হ্যায় রামেশ্বরপুর রোড মে। মে আপকো বাতাতা চলুন, ইসকে কবল জো হ্যায় ডিএম ড্রেস প্লেস মে হুয়া থা হজ ট্রেনিং, লাস্ট ফোর্থ ট্রেনিং হুয়া হ্যায়। আর হামারে বীচ মৌজুদ হ্যায় হযরত मौलाना हाई साहब, बगानी साहब, अख्तर बगानी साहब हमारे बीच मौजूद है। बगानी साहब की बोलते चाहबें सर आज के हर ट्रेनिंग के लिए? नहीं है आलम महल हमारे एटा ट्रेनिंग हलो आलम महल थे, खूब भलो ट्रेनिंग व्यवस्था आछे। हमरा चाची जे हाजिरा ওখানে গিয়ে তার আরকানগুলো ভালোভাবে পুরো করতে পারে, যাতে করে এখান থেকে বুঝে শুনে শিখে যাক, তাহলে ওখানে গিয়ে সহজ হয়ে যাবে তাদের জন্য করা। এই জন্য আমরা একটু চেষ্টা করছি, মেহনত করছি, এনারাও মেহনত করছে। এনাদের একটা গ্রুপ আছে, আপনাদের ওটার নাম আঞ্জুমান রফিকুল হুজ্জাজ, আমরা মেটিয়াবুরুজ হাজ সেবা সমিতি, সবাই মিলে যাতে করে এটা সমস্ত হাজিদেরই সুবিধা হোক, সেখানে গিয়ে সমস্ত আমলগুলো করা,
এই জন্য আমরা এটা চেষ্টা করছি। এতে আল্লাহ আমাদের খুশি, এই জন্য শরীফ আল্লাহকে রাজি করার জন্য করা, যাতে করে আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়। এর বদলে আল্লাহ পাক আমাদের জান্নাতে দিয়ে ইস ওয়াক্ত হামারে ভি জুড় গয়ে হ্যায় আঞ্জুমান রফিকুল হুজ্জাজ के सदर जनाब शकील साहब। शकील साहब क्या कहना चाहेंगे हज ट्रेनिंग, हज ट्रेनिंग को लेकर? मैं आए हुए तमाम ख्वातीन हजरात जितने हैं जो हज को जा रहे हैं, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने इन लोगों का इंतखाब किया है। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा साथ साथ मटिया बुर्ज महेश सल्ला हज सेवा समिति का, जो अंजुमन रफीकुल हुज्जाज की पुकार पर हमेशा तैयार रहते हैं। और हर साल हम लोग दो ट्रेनिंग देते हैं, एक हम लोग ख़ुद से कुछ देने की कोशिश करते हैं और एक में हज़रत की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। उस वक्त मटिया बुर्ज महेश सल्ला हज सेवा समिति के जनाब हाजी अख्तर बागानी साहब आते हैं और पूरी तसल्ली दे करके जाते हैं जितने हमारे हाजी हजरात जाने वाले होते हैं उनको। आज भी वो आए हैं और इस बार अंजुमन रफीकुल हुज्जाज के हम तमाम अराकीन ने उनसे दरख्वास्त की है कि हज़रत हम लोग जो दो ट्रेनिंग करते हैं, एक ख़ुद कर लेते हैं एक में आपको लाते हैं, ऐसा कीजिए ना अगले साल से दोनों में आप आ जाइए। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इनके दिल में जो मोहब्बत है, जो जज्बा है और पूरी सेवा समिति में जो जज्बा है, ये राज़ी हो गए कि अगले साल से दोनों ट्रेनिंग में हज़रत हाज़िर रहेंगे। अल्लाह का शुक्र बहुत बहुत। हज़रत क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आप अपना नाम बताएँ और आज हज के ट्रेनिंग के सिलसिले से कुछ बताएँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम अलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद दानिश हैदर अंसारी, हम लोग अंजुमन रफीकुल हुज्जाज के मेंबर हजरात हैं। बानियों में से हम लोग, अल्लाह ताला ने हम लोगों को इंतखाब किया। आज हम लोगों का मकसद सिर्फ ये है कि हज पे जो जाने वाले हाजी हजरात हैं वो हज को सीख कर जाएं, ताकि वहाँ उनको हज के अरकान को अदा करने में आसानी हो। और हम लोगों का जो मकसद है, अल्लाह इसे कबूल फरमाए अल्लाह के वास्ते और अल्लाह की रज़ा के वास्ते। अल्लाह हम लोगों के हज इसमें खिदमत को कबूल फरमाए, अल्लाह अपने पाक घर की ज़्यारत की दौलत से हम लोगों को माला माल फरमाए। क्या कहना चाहेंगे आज के हज ट्रेनिंग के प्रोग्राम? अल्हम्दुलिल्लाह, आज का ट्रेनिंग बहुत ही शानदार रहा। आपका नाम? मेरा नाम अली रसूल अख्तर है और मैं अंजुमन रफीकुल हुज्जाज के मेम्बरों में से हूँ। और हर साल हम लोग दो ट्रेनिंग करवाते हैं। माशाल्लाह हाजी हजरात बहुत शौक और शौक़ से यहाँ जमा होते हैं और यहाँ से सीख करके जाते हैं, उन्हें बहुत फ़ायदा होता है। और हम लोग की ये कोशिश होती है कि वो जिस मकसद से जा रहे हैं, अल्लाह उनके मकसद को कामयाब व कामरान करें। वारसी साहब क्या कहना चाहेंगे? रू 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 परवर मंजर हज ट्रेनिंग के दौरान वो भी देखने को मिल रहा है और जो हुज्जाज इकराम जाएंगे हज बैतुल्लाह के लिए, क्या कहना चाहेंगे? जब मैं 2011 में हज को गया था तो पहले हम लोग महेश सल्ला में बड़ा बड़ा प्रोग्राम वहाँ पर हुआ करता था और जाते थे तो हम लोगों को भी बंगला में सुनने मिलता था। तो ये हमारे मरहूम सफीर रहमान साहब इसमें हम लोग का बहुत साथ दिए, जो कि अभी दुनिया में नहीं है। तो अल्लाह ने हम लोगों को कामयाबी अता फरमाया और हर साल इसको हम लोग उर्दू में ट्रेनिंग के जरिया लोगों को दो प्रोग्राम करके हम लोग बता रहे हैं। और हमारे बगानी साहब आते हैं और बहुत अच्छी तरीके से समझा के जाते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि लोग यहाँ से जो भी जाते हैं तो बहुत सा कुछ सीख करके जाते हैं, जो कि हज के दौरान उनको आसानी हो। इसी तरह दुआ है कि अल्लाह ताला इसी तरीके से हर साल हम लोगों को तौफीक दे और हम लोग इस प्रोग्राम को करते रहे, चलाते रहे। हजरत आपका नाम बता दें पूरा। हाजी मोहम्मद वसीम वारसी। अब नाज़रीन हमारे बीच जुड़ गए हैं मटिया बुर्ज हज महेश तल्ला के जो हैं बुलबुल साहब। बुलबुल साहब क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। तो अभी जो ट्रेनिंग जो अब किया है यहाँ पर, जो हम लोग आते हैं आके देख के, बहुत माशाल्लाह बहुत बढ़िया ट्रेनिंग हुआ है। तो ये सब ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा करके होना चाहिए, क्योंकि हाजी साहब के लिए जो आगे में जो हज जाने के लिए ये सब प्रोग्राम हम लोग को रहना पड़ता है कि कैसे वहाँ क्या पोजीशन होगा नहीं होगा, सब कुछ सीख के जाने के लिए इसका बहुत ज़रूरी था। तो उसके हिसाब से जो ट्रेनिंग हुआ बहुत बढ़िया हुआ। आगे में हम लोग 4-5 ट्रेनिंग किया भी है, तो आगे इंशाल्लाह और भी कर सकेगा, उसके लिए हम रेडी हैं, कर सकेंगे इंशाल्लाह। दुआ कीजिएगा सबको, हाजी साहब को, कि हम लोग इस ट्रेनिंग और ज़्यादा करके कर सकेगा। हजरत क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई साहब से तो हम लोग काफ़ी सालों से लगा हुआ है। ये जो अंजुमन रफीकुल हुज्जाज है, हमारा मटिया बुर्ज महेश सल्ला हाजी सेवा समिति से फुल रिलेटेड है। कोई भी इंफॉर्मेशन आता तो भाई साहब लोग हम लोग से ताल्लुकात रखते हैं। तो इंशाल्लाह आने वाला दिन जो भाई साहब बताया, हम लोग तो मगरबी बंगाल का हर तरफ कितना ट्रेनिंग करता अल्लाह ही जानता। 95 से हम लोग तो इसी का साथ लगा हुआ है। तो आप लोग भी दुआ कीजिएगा हम लोग के नेहाती अच्छा काम में
लगा हुआ है हम लोग के लिए, हमारा एनजीओ के लिए आप लोग दुआ कीजिएगा। आज साथों साथ जो हमारा अंजुमन रफ़ीकुल हुज्जत के लिए भी आप लोग दुआ कीजिएगा। जैसे हमारा बंगला चलते हैं और यहाँ जो उर्दू बेल भी चलते हैं, माशाल्लाह हमारा बगानी साहब बोला अगले साल से दो दफ़ा या तीन दफ़ा जो ज़रूरत होगा हम लोग आप लोग से लगा हुआ रहेगा। क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम को लेकर? हज ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग जो है ख़ास करके हाजियों के लिए दी जाती है ताकि उनको इस्तफादा हो, वो हज पर जो है बआसानी अपना अमल करे। तो इस तरह ये हमारे कारी सफ़ीउर रहमान साहब ने इस चीज़ की बुनियाद डाली थी और ये जो है आज तक का अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा। और हमारे बानी जो थे वो तो सफ़ीउर रहमान साहब नहीं रहे, उस उनके निगरान में सरपरस्त हम जनाब शकील अंसारी साहब को हम लोगों ने बनाया है। और ये हमारे सेक्रेटरी साहब जनाब दानिश हैदर साहब हैं जो इस अंजुमन रफ़ीकुल हुज्जाज को बहुत खूबसूरत अंदाज से ले जा रहे हैं। और तमाम हाजियों को ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जो हाजी जो है अपने तरबियत अच्छा से कर सकें, तो यहाँ पर अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है। और ये हमारे इश्तराक जो हैं महेश तल्ला हाजी हज सेवक कम्यूनिटी, तो उनसे हम लोग इश्तराक करके ये काम को फाल अंजाम देते हैं। तो नाज़रीन आप देख रहे हैं हमारे बीच मौजूद हैं हज़रत जो हैं हमारे बीच मौजूद हैं, आप क्या कहना चाहेंगे सर? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। ये बहुत खुशी की बात है कि हम लोग ने इस हमारे बानी शफीउर रहमान कारी साहब जो थे ये हम लोगों को एक लोग जोड़ के एक बुनियाद रखे गए हम लोग के लिए जो हाजियों लोग के लिए उनको फ़ायदा पहुँचे और जो अरकान है यहाँ से सीख के जाएँ। इतना बड़ा अमल है अल्लाह ने कबूल किया है, सबको दावत दिए हैं, तो ये यहाँ से सिखाया जाता है। ये सब जितने हमारे सब हैं सबसे हम लोग फार्म भी फिलअप करते हैं खिदमत में, अगर अल्लाह कबूल करे। और जितने हाजी को यहाँ खिदमत होता है ये अख्तर बगानी साहब है, जब भी हम लोग बोलते हैं लोग हाजी हो जाते हैं। सब हम लोग के साथ हैं और हम लोग सब मिलकर ये काम कर रहे हैं और अल्लाह से दुआ से आप लोग सब करें कि हम लोग मिलकर हमेशा जब तक हम लोग रहें ये नेक काम हम लोग से अल्लाह लेते रहें। तो नाज़रीन आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। हज़रत हमारे बीच मौजूद हैं असर बगानी साहब और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का ये लाखों करोड़ों एहसान है कि वक्त गनीमत रहा और हज ट्रेनिंग का पूरा प्रोग्राम मुकम्मल हुआ यहाँ पर। और हज़रत से मैं ये कहूँगा, हज़रत क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम चाहते हैं कि हर साल ऐसे हो और नए नए हाजी उनसे शील किया जाए, सबको जिसके ऊपर हज फर्ज हो गया है उसको बता के सबको लेके और ट्रेनिंग करके एक दो ट्रेनिंग करके उसको अच्छा हज यानी हज में जाके पूरा अरकाम के उनको पूरा हो, ये हम चाहते हैं। मकसद यही था इनका कि हज ट्रेनिंग में इस तरह से ट्रेनिंग दी जाए, जो लोग हज और जो लोग हज बैतुल्लाह के लिए जाएंगे वो लोग वहाँ पर इस ट्रेनिंग को अच्छी तरह से सीख कर जाएँ ताकि वहाँ पर किसी किस्म की दुश्वारी ना हो। आप हमारे चैनल पर चार न्यूज़ बंगला इंग्लिश हिंदी उर्दू में देख सकते हैं जो कि 24/7 न्यूज़ है। पल पल की अपडेट्स के लिए बने रहें आप द लोकल जर्नलिस्ट के साथ। मैं शमसुद्दीन कोलकाता से, बहुत बहुत शुक्रिया।